आई एम योर शेफ शाहिना शुमाल एंड यू आर वाचिंग कुकिंग विद शाहिना वीनस एचडीटीवी। और आज क्या बन रहा है, यकीनन मेरा इंतजार हो रहा होगा कि मैं आऊंगी और आपको बताऊंगी कि क्या बन रहा है। तो आज बन रहा है यहाँ चिकन चाउमीन, इट्स अ चाइनीज डिश। और आज हम बना रहे हैं और चिकन चाउमीन बना रहे हैं, रेस्टोरेंट स्टाइल बनाएंगे। और मेरी फेवरेट कुजीन है चाइनीज, और साथ साथ मेरे जैसे बहुत सारे आप मेरी फैमिली है, तो आप लोगों की भी ये फेवरेट डिश है। और आज मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी कि इसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। तो मैं आपको लेके चलती हूँ अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो आइए, इंग्रेडिएंट्स में मैंने क्या इसमें लेना है, तो मैं सबसे पहले आपको बता रही हूँ, यहाँ पर मेरे पास मौजूद है स्पेगेटी, मैंने 1 पैकेट लिया है, जो कि इसका वेट आता है तकरीबन 450 ग्राम, स्टैंडर्ड इसका वेट आता है। तो 450 ग्राम वाला मैंने एक फुल पैकेट यहाँ पर लिया है स्पेगेटी का। साथ साथ मैंने चिकन का एक ब्रेस्ट लिया है, ये भी 300 ग्राम इसका वेट है। साथ साथ मेरे पास वेजिटेबल्स मौजूद हैं, जिसमें मैंने ली है एक कैबेज, इसके अलावा मैंने 2 स्मॉल साइज की मेरे पास जो है वो कैप्सिकम्स हैं, और साथ साथ मैंने लिया है गार्लिक। गार्लिक के 3 क्लोव्स को हम चॉप्ड करेंगे। एक लिया है मैंने, एक अदद मैंने लिया है इसके अंदर टमाटर, और साथ साथ मैंने ली है इसके अंदर 2 अदद गाजरे। और हरी प्याज मेरे पास मौजूद है, और हरी प्याज की इसका वेट अगर हम देखें तो 15 ग्राम इसका वेट यहाँ पर मौजूद है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं अपने ड्राई इन्ग्रीडियंट्स की तरफ। तो ड्राई इन्ग्रीडियंट्स में हमारे पास क्या क्या मौजूद है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले ओरिगानो मेरे पास यहाँ पर रखा हुआ है, ओरिगानो के साथ साथ ब्लैक पेपर है, पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर है, बहुत अच्छा इसके अंदर जो है वो फ्लेवर देता है, और चाइनीज कुजीन में तकरीबन 99% जाता है। साथ साथ जो है वो सेसिमी है, सीड्स मेरे पास मौजूद हैं जो कि मैं टॉप गार्निशिंग में यूज़ करूंगी। चिकन पाउडर मेरे पास मौजूद है, 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर का। साथ साथ मेरे पास चिली ऑयल मौजूद है, चिली ऑयल जो है वो मेरे पास 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर लिया है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लावर लिया है 1 टेबल स्पून, शुगर जाएगी इसके अंदर 1 टेबल स्पून, और ये है सेसिमी ऑयल यानी कि तिलों का तेल। सेसिमी ऑयल, जैसे सेसिमी सीड्स होते हैं, जैसे ये तिल हैं तो इनका ऑयल होता है, तो वो इसके अंदर जाता है। अच्छा, सेसिमी ऑयल आप कुकिंग के दौरान जो है वो ऊपर से हम इसको डालते हैं, यानी कि हम जब सौते करते हैं, जब नहीं डालते ऊपर से हम इसको डालते हैं, तो इसे हम कब डालेंगे ये भी मैं आपको बताऊँगी। साथ साथ मेरे पास मौजूद है रेड चिली, ये है मेरे पास चिली सॉस, रेड चिली सॉस मौजूद है मेरे पास, तकरीबन ये 2 टेबल स्पून मैंने ली है। और यहाँ पर 5 टेबल स्पून यहाँ पर मेरे पास सोया सॉस मौजूद है। इसके अलावा विनीगर मेरे पास मौजूद है 1 टेबल स्पून, और मेरे पास ऑस्टर सॉस मौजूद है 1 टेबल स्पून। तमाम इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, और आ जाते हैं हम अपनी कुकिंग की जानिब। और सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें कटिंग भी करनी है। तो आज मैं आपको चाइनीज सब्जियों की कटिंग भी यहाँ सिखा रही हूँ कि चाउमीन में कौन सा कट जाता है, और साथ साथ जो है हम इतनी स्पेगेटी को भी बॉयल करने रखेंगे, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, काम को स्टार्ट करते हैं। तो मैं ले लेती हूँ एक वॉक। स्टोव जो है वो मैंने ऑन कर दिया है, और यहाँ पर स्पेगेटी को मैं बॉयल करने रख रही हूँ इस स्टेज पे। अच्छा, स्पेगेटी हमेशा ठंडे पानी में हम नहीं डालेंगे। जब भी आप स्पेगेटी बॉयल करेंगे तो आपने टेम्परेचर जो होगा वो पानी का थोड़ा सा हॉट रखना है। जब इसमें सिमरिंग पॉइंट आ जाएगा, यानी कि इसमें बबल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, उस कंडीशन पर आप जो है अपनी स्पेगेटी को डालेंगे। अच्छा, स्पेगेटी को मैं अभी, मुझे थोड़ी सी कटिंग भी करनी है, आप लोगों को कटिंग भी सिखानी है, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा साइड कर लेती हूँ और अपनी कटिंग बोर्ड को ले आती हूँ। यहाँ पर स्पेगेटी मैंने यहाँ रख दी है, और साथ साथ चिकन को भी मैं लास्ट में कट करूँगी, पहले मैं वेजीज को कट कर लेती हूँ। तो मैं एक प्लेट ले लेती हूँ सबसे पहले, जो हमारी वेजिटेबल्स कट होती रहेंगी उसे मैं इसे रखती रहूँगी, और यहाँ से अच्छा ये वाले सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनको भी मैं साइड कर रही हूँ, और जब मैं डालूँगी तो जब मैं आपको एक दफ़ा बताती जाऊँगी कि यहाँ, क्योंकि आपको पता है कटिंग के लिए स्पेस चाहिए होता है, और इसको भी मैं आगे कर देती हूँ। ठीक है जी, यहाँ पर आ गया है। अच्छा, अब मैं इसको चेक भी कर लेती हूँ, साथ साथ इसमें 1 से 2 मिनट और बबल सही तरीके से आने लगेंगे, तो हम अपनी स्पेगेटी इसके अंदर शामिल कर देंगे। जब तक के लिए जो है मैं, अच्छा जी, सबसे पहले जो है मैंने लिया है यहाँ पर एक कैबेज, एक अदद कैबेज लेंगे आप, और कैबेज को हमेशा सेंटर से कट करते हैं।
इस तरह से आपने इसको कट किया और साथ साथ हम इसकी जो ये बोन होती है कैबेज की, इसको निकाल देंगे। और ये मैं इसको इस तरीके से निकाल रही हूँ, ठीक है जी, ये यहाँ पर निकल गई है। अच्छा जी, साथ साथ मैं इसमें भी देख लेती हूँ, नहीं इसमें भी 1 से 2 मिनट हैं अभी आने में। अच्छा जी, यहाँ पर हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे। और अच्छा, कैबेज को अगर आप वॉश ना भी करें ना, तो आप इसकी स्किन रिमूव कर लें। तो मैं भी आपको बताती हूँ, ये जो है इस तरह का, ये वाला जो लीव्स है ये मैं उतार देती हूँ ज़्यादातर, तो इससे अंदर से बिल्कुल फ्रेश निकल आती है स्किन। और अब हम इसको जस्ट कट करेंगे। यहां मैं इसको कट कर रही हूं, ठीक है जी, और इसको हम थोड़ा सा मीडियम कर देंगे। अच्छा जी, कैबेज को हम इस तरह कट कर रहे हैं और ये देखें आप, जस्ट मैंने इसको और ये हम जल्दी जल्दी से अपनी कैबेज को यहाँ पर कट कर लेंगे। रफ रफ सा हमने इसको कट करना है, जूलेंस क्योंकि हम निकाल भी लेंगे ना अगर प्रॉपर, तो भी ऐसे ही रहेंगे, और तो इसलिए मैं इसमें जूलेंस निकालती हूँ इसके, और इसी तरह से इसको कट कर लेती हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैंने निकाल लिए हैं, प्लेट मैंने ले ली है ये, और जो हमारी कैबेज कट हो गई है इसको हम यहाँ पर कर देंगे साइड। और जो इसके ये स्टैम्प वाले थे पीसेस, ये मैं डिस्कार्ड कर रही हूँ। और देखें, अब इसका पॉइंट वो आ गया जिसमें हमने स्पैगेटी उबालने डालनी है, तो यहाँ पर मैं स्पैगेटी को उबालने डाल रही हूँ। इस तरीके से मैंने इसको डालिए, और साथ साथ देखें मैं ये भी तमाम की तमाम स्पैगेटीज के अंदर। अच्छा, स्पैगेटी आप देखें मैंने ब्रेक नहीं करी है, आपने ब्रेक नहीं करनी है, और साथ साथ स्पैगेटी को आपने इसके अंदर शामिल करना है। जैसे जैसे वो नीचे से सॉफ्ट होती जाएगी, ये नीचे जाती जाएंगी जो ऊपर आपको अभी नज़र आ रही है। एक हम स्पैगेटी स्पून ले लेते हैं, और ये देखें अब ये अपना आराम से बॉयल होती रहेंगी। अच्छा, जिन लोगों को इश्यू होता है कि हमारी स्पैगेटी चिपक जाती है, तो उसके लिए आप क्या करें, अगर आप चाहें तो इसमें 2 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल ऐड करेगा, तो मैंने यहाँ पर 2 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल ऐड किया है। साथ साथ जो है हमने कैबेज की कटिंग कर ली है, अब आ जाते हैं हम कैप्सिकम की कटिंग की तरफ। और कैप्सिकम को मैंने आपको बताया कि हमेशा हम किस तरह ओपन करते हैं, तो आपने इसको इस तरह से खोलना है जस्ट लाइक, और इसको डीसीडेट कर देना है। कैप्सिकम के जो सीड्स हैं हम यूज़ नहीं करते हैं, हम हमेशा इसको डीसीडेट करते हैं। और इसका ये वाला पार्ट मैंने डिस्कार्ड कर दिया है। अच्छा जी, अब हम इसको पूरा ओपन कर लेते हैं। ये हमने इसको ओपन कर लिया, अब चाहें तो आप इसमें से स्क्वायर पीसेस निकाल लें, चाहें तो आप इसमें से, लेकिन हमें रिक्वायर्ड है जूलिन की, तो हम यहाँ पर कट कर रहे हैं जूलिन। बहुत ज़्यादा फाइन जूलिन इसके अंदर नहीं जाता, थोड़ा सा हम इसके अंदर जूलिन करेंगे नॉर्मल साइज का, फाइन जूलिन नहीं करेंगे, आपने जूलिन करना है। और ये हमने इसमें कर ली है कटिंग, और यहाँ हो गई हमारी कैप्सिकम की कटिंग। साथ साथ हम अपनी स्पैगेटी को भी देख रहे हैं कि वो बॉयल हो रही है, और हमारी यहाँ चल रही है कटिंग। जी, इस कैप्सिकम की हो गई है कटिंग, मैं एक और ले रही हूँ कैप्सिकम, उसको भी मैं देखें इस तरह से आपने ये वाला इसका पार्ट रिमूव करना है। यहाँ से आपने नाइफ डाल के कट लगाना है, उसके बाद आपने अपनी नाइफ को राउंडली घुमाना है और इसको डीसीडेट करना है। ये डीसीडेट हो गया, ये देखें आपकी कैप्सिकम स्ट्रेट हो गई है।
और अब हम इसकी कटिंग करते जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ पर हम इसकी स्ट्रेट जूलेंस कर रहे हैं। और ये मैंने इसकी जूलेंस कर ली है। अच्छा, अब बारी है हमारी कैरेट की कटिंग की। कैरेट को मैं पील करूंगी, एक पीलर ले लेती हूँ और यहाँ जो है मैं कैरेट को पील कर रही हूँ। कैरेट को मैंने पील कर लिया है। अच्छा जी, पास्ता और जो स्पेगेटी बॉयल होती है, स्पेगेटी को हम कितने मिनट्स तक बॉयल करते हैं, साथ साथ मैं आपको यहाँ पर वो भी बताती जाऊँ। देखें, स्पेगेटी जो होती है वो 7 से 9 मिनट्स तक हम बॉयल करते हैं और हम इसको हॉट वाटर में डालते हैं, हमेशा कोल्ड वाटर में इसको नहीं हम डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है स्पेगेटी बॉयल होना भी शुरू हुई है। अच्छा, डिफरेंट ब्रांड्स की जो स्पेगेटी होती है ना, वो डिफरेंट टाइमिंग लेती है, लेकिन स्टैंडर्ड टाइम इसका 7 मिनट्स होता है, 1 से 2 मिनट आगे या पीछे हो जाता है। तो हम साथ साथ इसको चेक करना भी मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे चेक करते हैं, किस तरह से ये जो है वो डन हुई हुई होती है, क्योंकि बाज लोगों का ये सवाल होता है कि हमारी अंडर कुक्ड हो जाती है, हमारी ओवर कुक्ड हो जाती है। तो हमने बिल्कुल इसको परफेक्ट कुक करने का आपको बताना है। अच्छा, साथ साथ मैं आ जाती हूँ अपनी गाजर की तरफ और गाजर यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ। ये जो इसका येलो वाला पार्ट था, मैंने ये भी रिमूव किया है क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा कलर वाला ज़्यादा सही लग रहा था। अच्छा, आपने इसका रूट रिमूव करनी है, इसका एंड रिमूव करना है। उसके बाद हम इसके पीसेस लेंगे। ठीक है जी, और यहाँ जो है हम इस तरह से मैं इसकी कट्स कर रही हूँ। उसके पहले मैं फ्लैट पीसेस निकाल रही हूँ, फिर उसकी हम जूलेंस करेंगे। तो ये मैंने निकाले हैं। अच्छा, हम पहले ये वाले पीसेस निकाल लेंगे, देन हम जूलेंस करेंगे। इसके जो है वो 2 पीसेस में करूँगी क्योंकि 3 नहीं हो सकते, इसमें इसका साइज थोड़ा सा स्मॉल था जी। तो यहाँ पर ये स्पेगेटी को भी चेक कर लेंगे ताकि ये ओवर कुक्ड ना हो, और अभी ये कुक्ड नहीं हुई है। अब हम इसकी जूलेंस कर लेंगे। हमने इसके स्ट्रेट कट्स निकाल दिए हैं। अच्छा, मैं 2-2, 3-3 पीसेस को लेके इस तरह से कर रही हूँ कट। आपको अगर प्रॉब्लम हो तो आप एक एक पीस भी करके, उसके बाद आपने देखे अपनी नाइफ को फॉरवर्डली ड्राइव करना है और ये आपने इस तरह से कटिंग करनी है इसकी जूलेंस की। इस तरह से कटिंग करते जाएं। सारी की सारी गाजर के जो हमने पीसेस निकाले हुए, हम उनकी सबकी जूलेंस करेंगे यहाँ पर। और एक जैसे पीसेस हों तो आप उसको, थोड़ा सा मुझे थिक लग रहा था तो मैं इसको मजीद थिन कर लूं जी। तो अब मैं इसके करूंगी जूलेंस। ये हो गए। Thank you.
नाइफ हमेशा फॉरवर्डली ड्राइव कीजिएगा। अच्छा साथ साथ टाइम है एक ब्रेक का और ब्रेक में करती हूँ मैं इसको कंप्लीट और ब्रेक के बाद मिलवाऊंगी मैं आपको एक गेस्ट से। तो लेते हैं एक ब्रेक, सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू अवर ब्रेक एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। और ब्रेक से आ चुके हैं हम वापस और साथ मेरे मौजूद हैं रूही, रूही अकबर मौजूद हैं। और ये कौन है और क्या करती हैं आप लोग इन्हें जानते होंगे लेकिन इनका इंट्रोडक्शन मैं भी करा देती हूँ। तो ये जो है वो ब्रांड रूफ की CEO है और इसके अलावा कंज्यूमर एसोसिएशन फूड की जो है वो इंस्पेक्शन वाइस चेयरपर्सन है और साथ साथ बहुत सारे काम करती हैं और अनगिनत अवार्ड्स इनके पास हैं। और आज मैंने इनसे पूछना है कि आपके पास कितने अवार्ड हैं क्योंकि मुझे इतनी क्यूरियोसिटी है इस बात की। और सबसे पहले तो मैं इनसे आपके सामने भी मिल लेती हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, और बहुत खुशी हो रही है आपको यहाँ देख कर। और बहुत अच्छा लगा आप आई और बहुत शुक्रिया आपके आने का। और साथ साथ अब आप अपना इंट्रोडक्शन खुद दें और हमारे व्यूवर्स से मिलें। मेरा इंट्रोडक्शन माशाल्लाह आप दे चुकी हैं कि मेरी एक एजेंसी है, मार्केटिंग एजेंसी ब्रांड रूफ के नाम से, जिसमें हम ब्रांड्स के हवाले से, मार्केटिंग के हवाले से, ट्रेनिंग, इवेंट मैनेजमेंट, इसके हवाले से हम बहुत काम कर रहे होते हैं। और ज़्यादातर काम हमारा कॉर्पोरेट के साथ हो रहा था लेकिन अब रिसेंटली हमने छोटे बिजनेस को भी टारगेट किया है। बहुत ज़्यादा फीलिंग थी कि बहुत छोटे छोटे जो अभी नए बिजनेस ग्रो हो रहे हैं वो बहुत फेस कर रहे थे ये प्रॉब्लम कि उनको प्रॉपर लोग नहीं मिल पा रहे थे, उनको बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा था। तो इसलिए जो हमने अपनी जो है वो डोमेन्स को थोड़ा सा और बड़ा किया है और आपके रहते हुए बजट के अंदर हम अब आपको मार्केटिंग, इवेंट्स मैनेजमेंट, PR और इस तरह के बहुत सारी जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। प्लस कंज्यूमर एसोसिएशन के साथ अराउंड फोर ईयर हो गए हैं मुझे कोलैबोरेट किए हुए और उनके जो फूड सेक्टर है उस साइड के ऊपर जो है अल्हम्दुलिल्लाह वाइस चेयरपर्सन के तौर पे जो है वहाँ हम काम कर रहे हैं। रिसेंटली मैंने एक FM चैनल को भी ज्वाइन किया जिसमें हम लाइव शोज करते हैं और उसमें भी हमारा टारगेट ये है कि हम आपको बहुत ज़्यादा वो इन्फॉर्मेशन दें जो कि यूजुअली लोग छुपा लेते हैं, नहीं बताते, आधी अधूरी बताते हैं। एग्जैक्टली, ये बहुत बड़ा हमारे यहाँ का मसला है। और अच्छा मैम रूही, मुझे आप एक बात बताएं जी कि आप जो हैं वो कितने, सबसे पहला तो मेरा सवाल है आपके पास कितने अवार्ड्स हैं? सच बताना है बिल्कुल सच बताना है आज। और अगर आप मुझे सच पूछेंगे तो मुझे नहीं पता। मतलब एक महीने में कितने अवार्ड्स आ जाते हैं? महीने में देखा जाए तो 10-12 तो मिल ही जाते हैं। जबरदस्त। अच्छा मतलब सबसे ज्यादा ना मुझे एक मतलब खुशी इस बात की होती है कि आप एक वुमेन है। सबसे बड़ी मेरे लिए एजाज की बात, खुशी की बात ये कि आप एक वुमेन है और एक वुमेन होके इतनी माशाल्लाह कामयाब वुमेन है। तो बहुत सबसे बढ़कर तो सबसे पहली चीज ये है। देखें मुझे नहीं पता लोगों ने जो है ना ये क्यों सोच अपनी रख ली है कि वुमेन कुछ नहीं कर सकती या बहुत कम कर सकती है या ये काम नहीं कर सकती, वो काम नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? वुमेन भी तो एक इंसान है ना। इंसान है बिल्कुल। तो अल्लाह ताला ने इंसानों में हाँ कुछ क्वालिटी मर्द हजरात में बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी रखी है तो कुछ औरत में बहुत रखी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि खुदा ना खास्ता वो किसी चीज में कम है या औरत किसी चीज में कम है। अपॉर्चुनिटीज चाहिए होती हैं, ट्रेनिंग चाहिए होती हैं लोगों को एक्सप्लोजर चाहिए होता है। तो वो जिसको मिलेगा, तालीम मिलेगी, तरबियत मिलेगी, एक्सप्लोजर मिलेगा, वो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन बहुत कम टाइम में माशाल्लाह आपने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करा है और ये सारी आपकी अपनी अंदर की एबिलिटीज़ होती हैं जिनकी वजह से आप इतने आगे बढ़ते हैं और साथ साथ अल्लाह ताला का भी एक साथ होता है। बेशक इसमें अल्लाह ताला का साथ होता है और आपके इर्द गिर्द लोगों का बहुत साथ होता है, आपकी फैमिली का, आपके सराउंडिंग्स में जो लोग होते हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए। इसीलिए जब आप जॉब चूज़ करें, जब आप किसी के साथ काम करना चूज़ करें तो आप कभी भी ये मत देखें कि उसमें आपको फाइनेंशियल बेनिफिट कितने हो रहे हैं। फाइनेंशियल के साथ साथ आपको ये देखना सबसे पहले ज़रूरी है आप जिस शख्स के साथ काम कर रहे हैं, चाहे वो आपका बॉस हो, आपका कुलीग हो, आपके फैमिली मेम्बर में कोई हो, वो कैसा है, उसकी आपकी इक्वेशन कैसी है, उसकी अपनी रेपुटेशन कैसी है। क्यों? क्योंकि ये आपके पूरे कैरियर पर इफेक्ट करती है, करते हैं। सही। अच्छा अगर कोई मतलब सम टाइम आप जब ब्रांड रूफ का मुझे बताएं, जैसे कि अगर मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं तो वो कोई ब्रांड बनाना चाहते हैं, किसी चीज में उनको स्पेशलिटी है, तो वो किस तरह से मतलब कांटेक्ट करें आपसे, क्या करें?
देखिए, एक तो सबसे एक्टिव इस वक्त जो है वो मेरा खुद का फेसबुक पेज है जो कि रूही अकबर के नाम से है, नंबर वन। नंबर टू, ब्रांड रूफ का अपना एक पेज है जो कि ब्रांड रूफ के नाम से है। थर्ड, मैं अपना नंबर शेयर कर लेती हूँ, आप लोग जो भी करना चाहें, हम इनिशियल जो कंसल्टेंसी देते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं, ठीक है, ताकि वो जो फेज होता है ना, जो लोग बहुत सारे बेचारे जिनको पता नहीं होता, वो बहुत दफ़ा बेचारे बहुत सारे पैसे अपने ज़ाया कर देते हैं या गलत हाथों में चले जाते हैं या बेवकूफ़ बन जाते हैं। तो हमने अपना ट्रेंड ये रखा हुआ है कि फर्स्ट जो भी होगा हम एक छोटी सी कंसल्टेंसी देते हैं, उस कंसल्टेंसी के बाद आपके ऊपर होता है आप काम हमारे साथ करना चाहें या किसी के साथ भी करना चाहें। जबरदस्त। अच्छा, आज जो बन रहा है यहाँ पर चिकन चाउमीन बन रहा है, मेरा फेवरेट है। अच्छा, जबरदस्त। तो यानी कि चाइनीज से आपको भी लगाव है। और इसके अलावा कौन सी कुजीन अच्छी लगती है? देखिए, अपनी पाकिस्तानी डिश तो नो डाउट बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर आप वो एक ऐसी डिश है जो कि आप रेगुलर रूटीन में खा रहे होते हैं, रूटीन से जब हट के बात होती है तो सबसे पहले चॉइस चाइनीज होती है। चाइनीज होती है, हाँ, उसके बाद फिर दूसरी और चीजों के ऊपर आप जा रहे होते हैं। अच्छा, मतलब ये जो है ना, हम टोमेटोज को डिसीडेट करते हैं, तो हम जब भी चाइनीज वेजीज यूज कर रहे होते हैं तो हम कोई भी वेजिटेबल सीड के साथ नहीं इस्तेमाल करते। तो यहाँ पर मैंने बाकी की वेजिटेबल्स कट करके रखी हुई, अब मैं टोमेटोज के ये डिसीडेट कर रही थी, और हम करेंगे अब इसकी जोलेंस। ये मुझे आपके शो की बहुत अच्छी बात लग रही है कि आप बहुत बारीक बारीक चीजें बता रही हैं। यूजुअली लोग ऊपर ऊपर से चीजें बता देते हैं। नहीं, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं कटिंग भी सिखाऊं यहाँ पर, क्योंकि परफेक्ट कौन सी डिश में कौन सा परफेक्ट कट जाता है तो वो इनको पता हो, और साथ साथ जब नहीं, मतलब कि किस तरह से कटिंग होती है तो वो भी आ जाए। हाँ, बेसिकली ट्रेनिंग का मतलब तो यही होता है कि कंप्लीट ट्रेनिंग। जी। अच्छा जी, ये टोमेटो कट हो रहा है यहाँ पर, और मैं बहुत करीब खड़ी हूँ और मैं देख रही हूँ कि बिल्कुल एक साइज का कट हो रहा है। जी, तो ये टोमेटोज कट हो चुके हैं। अच्छा, अब हम स्प्रिंग अनियन का वाइट पार्ट लेंगे, ठीक है। ग्रीन पार्ट हमेशा लास्ट में जाता है, वाइट पार्ट स्टार्ट में जाता है, तो इसको भी मैं जूलिन की तरह ही कट कर लूंगी, और ये हम स्टार्ट में चिकन के साथ। अच्छा, इसके भी हम स्ट्रेट पैटर्न्स निकालेंगे। अच्छा, एक सवाल है मेरा जी, सारे शेफ जो कटिंग कर रहे होते हैं वो इतनी बड़ी बड़ी छुड़ियों से क्यों करते हैं? इसकी खास वजह इसकी खास वजह ये है कि आप अगर छोटी छुरी से कट निकालने बैठेंगे कभी भी नहीं निकलेगा। अच्छा, कभी भी नहीं निकलेगा, चाहे आपको कितनी ही कटिंग स्किल्स हो। जैसे हर चीज के अपने यूटेंसिल्स होते हैं, टूल्स होते हैं, तो शेफ कट जो निकालते हैं उन कट्स के लिए जो है ना, वो इस शेफ नाइफ की बहुत जरूरत है, और हम इसके बगैर, कटिंग बोर्ड के बगैर कटिंग नहीं कर सकते हैं, प्रॉपर कट नहीं निकलेगा हमारा, तो ये सारी वजह होती है। अच्छा, ये बैलेंस बनाना, इसको फॉरवर्डली ड्राइव करना चाहिए। बहुत सम टाइम लोग जो होते हैं ना, इसको फॉरवर्डली ड्राइव नहीं करते, इसको बैकवर्ड ड्राइव करते हैं। तो आपने देखना है कि आपने इसको किस तरह से होल्ड करना है और किस तरह से इसको आपने जो है वो ड्राइव करना है। जबरदस्त। तो अब हम इसको कर रहे हैं कट, और फिर जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो स्पीड हो जाती है, फिर मैं यहाँ स्लो स्लो इसलिए दिखाती हूँ ताकि इनको पता चले, जिनको नहीं आती है कटिंग, तो वो कटिंग सीख सकें। अच्छा जी, ये जूलेंस मैंने यहाँ कर लिए हैं इसके, और साथ साथ ग्रीन वाला पार्ट हम बाद में कट करेंगे, और हमने कुकिंग की तरफ भी आना है, और स्पेगेटी मैंने बॉईल कर दी थी तो हमें सिर्फ 5 मिनट्स लगेंगे उसको सौते करने में। अच्छा मैम रूही, इसके अलावा आप मुझे ये बताएं कि आजकल और क्या आपकी मसरूफियतें? एक तो आप FM पे कर रही हैं शो, और वो शो किस टाइप का है तो वो भी बताएं। जैसे मैंने अभी बताया कि वो शो हम कर रहे हैं जिसमें हम वो इंफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए या आने वाले बच्चों के लिए, ताकि उनको अपने फ्यूचर में किस तरह से डिसीजंस लेने हैं, बेटर डिसीजंस लेने हैं। डिसीजंस सब ले रहे होते हैं, लेकिन उनके पास बहुत सिलेक्टेड चीज़ें होती हैं सिलेक्ट करने के लिए अपने फ्यूचर के लिए। तो हम एक एक फील्ड के लोगों को वहाँ बुला रहे हैं जो कि कामयाब हैं, जो कि आपसे शेयर करेंगे अपनी अपनी फील्ड के। आज हमने जो शो किया था उसमें हमने शेफ बुलाए थे। अच्छा, क्योंकि अभी आपको पता है शेफ चल रहा है बहुत ज़ोरों पर, तो इसी तरीके से हर प्रोफेशन के मुख्तलिफ लोग आएंगे जिसमें आप जान सकेंगे कि उन्होंने अपनी कामयाबी कैसे की, आप जान सकेंगे कि उस प्रोफेशन के अच्छे और बुरे दोनों पॉइंट्स क्या हैं, ताकि आप अपने लिए डिसीजन ले सकें।
जबरदस्त, क्योंकि हमारे टाइम पे तो इतना एक्सपोजर था ही नहीं, अब इंटरनेट है, टेलीविजन है, लोग बहुत अच्छे हैं जो कि आके अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं गार्लिक चॉप कर रही हूँ और साथ साथ रूही आप मुझे बताएं इतना टफ शेड्यूल जो है वो किस तरह मैनेज करती हैं कि मतलब माशाल्लाह दो तीन आपके, एक तो ब्रांड आपका रनिंग पर है, साथ साथ अब आपने जो है वो FM भी ज्वाइन कर लिया है, रेडियो पाकिस्तान भी, और इसके अलावा जो है वो कंज्यूमर एसोसिएशन का भी है, तो कैसे आप ये सारी चीज़ें मैनेज करती हैं, तो कौन सा मतलब आटा खाती है या कौन सी जड़ी बूटी खाती है, क्या करती है? वही सब कुछ खाते हैं जो आप लोग खाते हैं, कुछ अनोखा नहीं है, बट चीज़ों को थोड़ा सा टाइम को आपको मैनेज करना पड़ता है, आपको अपना शेड्यूल बनाना पड़ता है कि आपको कब किस टाइम पे कहाँ होना है, आपको अपनी सारी चीज़ों को, और ये जो एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हमें मिल गई है मोबाइल, इसमें जो है आप अपना सारा जो है वो आगे के प्लान्स डाल सकते हैं, वो आपको इतना रिमाइंडर देगा कि आप भूल ही नहीं सकते। तो वो एक हमारे पास गैजेट्स माशाल्लाह इस दौर में बहुत हैं, वो तो है, लेकिन मतलब थकती नहीं है या सोती नहीं है, क्या करती है? जब आपका टाइम होता है ना, जब आपका पैशन होता है तो फिर आपको टाइम का पता नहीं चलता, लाइक कुकिंग इज योर पैशन, यस, ठीक है, तो अब आपको उसमें 4 घंटे भी लग जाएंगे ना, तो आपको लगेगा कि यार ये कहाँ गए वक्त, अगर मुझे कोई सोते से भी उठा के कहेगा तो मैं अपना काम करने खड़ी हो जाती हूँ, आई एम लाइक अ वर्कहोलिक पर्सन, तो मुझसे फारिग नहीं बैठा जाता, अगर मैं फारिग बैठ गई तो मुझे लगता है मैं बीमार हो जाऊंगी। अच्छा, फारिग वक्त मिलता है? फारिग वक्त ऐसे नहीं मिलता, और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि मुझे मिले फारिग वक्त, हाँ, लेकिन जब एक पूरा हफ्ता आपका गुजरता है तो आपको एक आवर एटलीस्ट जो है वो मी टाइम चाहिए होता है। सही, और जो तो मी टाइम क्या करती हैं? वो मी टाइम होता है वो सम टाइम जो है वो अलग अलग होता है, मी टाइम अक्सर ऑनेस्टली बताऊँ तो वो थिंकिंग टाइम में भी कन्वर्ट हो जाता है। एग्जैक्टली, सही है, और सोचती क्या है? वही काम काम काम, कब क्या करना है, कायद आजम ने फरमाया काम काम और सिर्फ काम। अदरवाइज मैं आपको बताऊं कि जो आपका मी टाइम है ना वो जरूर होना चाहिए, सम टाइम बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं मी टाइम होता क्या है, क्या होता मी टाइम, क्या होता है मी टाइम, होता है वो टाइम आप अपने लिए बुक करते हो, सही है, जो आपको अच्छा लगता है आप वो करते हो, रिलैक्स करना हो रिलैक्स करते हो, अगर आपको सोना पसंद है आप सोइए, अगर आपको शॉपिंग पसंद है आप शॉपिंग पे जाइए, और अगर आपको अपने से भी बात करना बहुत ज़रूरी है तो आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाके बैठिए और एक अच्छी सी कॉफ़ी चाय या अपने पसंद का कोई भी खाना मंगाइए, और कोई और ना हो, आप हो और आपके साथ फिर आप हो और फिर बैठें और रिलैक्स होकर अपने आप से बात करें कि जो कुछ चल रहा है आपकी ज़िंदगी की में, क्या ये ठीक है, क्या इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या कुछ काम कम या कुछ काम बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि आप, जब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप से बात करना, अगर आपने अपने आप से बात नहीं की और दुनिया जहाँ से बात की तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, आप अपनी सेहत कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, अपना प्रोफेशन कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, अपनी फैमिली कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। अच्छा, बहुत ज़्यादा काम से सेहत पर फर्क नहीं पड़ता आपकी? पड़ता है, देखिए मैं वही बता रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि आपको ब्रेक कब लेनी है, कब आपको पता होना चाहिए कि अब आपकी नींद जो है वो ओवर ड्यू हो चुकी है। अच्छा, वेकेशंस पे जाती हैं? नहीं वेकेशंस पे बहुत कम होता है, बहुत ही रेयर ऐसा टाइम आता है कि वेकेशंस पे जाएं, क्योंकि जब आपको अपने काम से मोहब्बत होती है ना तो वो काम नहीं होता, वो काम नहीं होता, वेकेशन पर ही होते हैं, वेकेशन पे ही होते हैं जो हम चाहते हैं। अच्छा, आपकी हॉबीज क्या है, और साथ साथ आप जब टीन एज में थे तो आप क्या सोचती थी कि मैं क्या करूँगी? ये ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे बहुत शुरू के बेसिस टाइम पे नहीं पता था कि मुझे क्या पसंद है, क्या पसंद, लेकिन जब थोड़ा सा वक्त गुजरा और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे एड्स बहुत अच्छे लगते हैं देखना, मुझे क्रिएटिव काम बहुत अच्छा लगता है, मुझे कलर्स से खेलना बहुत पसंद है, मुझे जो है वो कुछ नया करना, आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम करना, इवेंट मैनेज करना, ये चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती थी, और फिर उसी वजह से फिर मैं मार्केटिंग फील्ड में गई, और वो भी एक लंबी दास्तान है, किसी और वक्त आपको सुनाएंगे। बिल्कुल, किसी और वक्त हम दोबारा जब आपको बुलाएंगे तो करेंगे बहुत सारी बातें। अच्छा, साथ साथ मैंने यहाँ चिकन की कटिंग कर ली है, चॉप कर लिया है, तमाम से वेजिटेबल्स कट गई हैं, और टाइम है एक ब्रेक का, तो हम लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक से वापस आकर हम कंटिन्यू करेंगे अपनी डिश को और करेंगे रूही से बातें। तो लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, ब्रेक से वापस आकर दोबारा कंटिन्यू करते हैं अपनी रेसिपीज़ को।
वेलकम बैक टू अवर ब्रेक, और ब्रेक से आ चुके हैं आप लोग वापस। और क्या बन रहा है यहाँ पर? चिकन चाउमीन बन रहा है। और अब मैंने ब्रेक में जो है वो इसको यहाँ निकाल के रख दिया था स्ट्रेनर में से। और जब भी आप स्पेगेटी आपने जो है बॉईल करी, उसके बाद आपने ठंडा पानी इसमें डाल दें, तो ये थोड़ा अलग अलग सी हो जाती है। अच्छा, साथ साथ चिकन यहाँ पर मेरे पास कट है, और मैं आपको बता दूँ कि इसको जूसी रखने का हमें क्या है, हमने इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना। जब आप चिकन को बहुत ज़्यादा कुक कर लेते हैं, हमारे अंदर एक ये चीज़ हो गई कि गले, जब तक गलेगी नहीं, टेंडर नहीं होगी ना बहुत ज़्यादा, तो हमने जो है ना वो समझना है कि ये तैयार नहीं हुआ है। तो आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों को कुक नहीं करना। अच्छा, साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो है चिकन किस तरह कुक्ड होगी वो भी मैं आपको बताऊँगी, और कितने मिनट्स की आपने इसकी टाइमिंग देनी है। तो आपने चिकन को सिर्फ 4 मिनट्स कुक करना है, अदरवाइज आपने इसको ज्यादा कुक नहीं करना। वो उससे ये होगा, टेंडर तो वो हो जाएगी लेकिन उसकी ड्राइनेस उसके अंदर चिकन में आ जाएगी, उसका सारा जूस रिलीज हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास चिली ऑयल है, 2 टेबल स्पून मैंने ये चिली ऑयल यहाँ पर ऐड किया है। साथ साथ जो है मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ चॉप्ड गार्लिक और चॉप्ड अनियन। चॉप्ड गार्लिक है मेरे पास, ये चॉप्ड गार्लिक मैंने ऐड किया है, और इसके अलावा ये जूलन्स है मेरे पास स्प्रिंग अनियन के वाइट पार्ट की, वो मैंने यहाँ पर ऐड करी हैं। और साथ साथ जो है वो चिकन मेरे पास है, मैं चिकन भी यहाँ शामिल कर रही हूँ, और गार्लिक की बहुत अच्छे से अरोमा आना शुरू हो चुका है। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम हल्का सा मिक्स करेंगे, और यहाँ पर मैं इसे ऐड कर दूँगी चिकन को। ऑयल आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना है इसके अंदर, ऑयल कम डालना है, क्योंकि हम इसमें ऊपर से सेसमे ऑयल शामिल करेंगे। फ्लेम को थोड़ा सा हम हाई करेंगे, और साथ साथ हम अपने चिकन को कुक करेंगे। और चिकन को आपने सिर्फ 4 मिनट्स के लिए कुक करना है, अदरवाइज ये ड्राई हो जाएगी। इसके स्ट्रिप्स लंबे जो कटते हैं वो क्यों खास हो जाए, क्योंकि या कुछ लोग स्क्वायर में काटे होते हैं कुछ किसी में, इसके अगर आप स्मॉल क्यूब्स करेंगे तो वो गायब हो जाएंगे स्पेगेटी में, नजर नहीं आएंगे। तो हम इसको जो है ना इसलिए जी एग्जैक्टली, क्योंकि इसमें सारा जो कट है ना वो स्ट्रिप कट में ही जाता है, जूलन भी जाता है। अच्छा, साथ साथ थोड़ा सा मैं इंतज़ार करूँगी इसको ड्राई होने का, ये फ्राई हो जाएगा चिकन, तो हम इसमें फिर वेजिटेबल्स ऐड करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, साथ साथ जो है वो मेरे पास यहाँ पर सोया सॉस मौजूद है, 5 टेबल स्पून अराउंड मैंने यहाँ सोया सॉस ऐड करा है, 2 टेबल स्पून चिली सॉस है, साथ साथ मेरे पास ऑयस्टर सॉस है, 1 टेबल स्पून मैंने ऑयस्टर सॉस डाला है। इसके अलावा ब्लैक पेपर हम यहाँ शामिल कर रहे हैं, तकरीबन 1 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया है। और साथ साथ जो है मैं इसको अब हिलाकर और इसमें वेजिटेबल्स भी ऐड करूँगी, और बहुत इस वक्त जो है ना ज़बरदस्त किस्म का अरोमा उठना शुरू हो गया है। इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम पे ही आपने रखना है, चाइनीज बेसिकली सारा हाई फ्लेम पर ही हो रहा होता है, तो यूँ करते हैं तो ज़बरदस्त उसमें से फायर निकलती है। हम इसको बहुत अच्छी सी इसमें खुशबू आ रही है, और सारी सॉसेस में जो है वो चिकन में फ्लेवर आ गया है, सारी सॉसेस का शक्ल खिल गई है सारी। ऑरेगानो मैं इसमें डाल रही हूँ, साथ साथ जो है मैंने इसमें डालनी है शुगर, और जब भी हम ऑयस्टर सॉस यूज़ करते हैं तो हम शुगर भी डालते हैं। एक स्पून दे दें मुझे कैमल के लिए जी। अच्छा जी, ये मैंने इसके अंदर तकरीबन 1/2 टेबल स्पून शुगर ऐड करी है, और इसके साथ साथ मैं अपनी वेजीज को इसमें अंदर शामिल कर रही हूँ। सबसे पहले जो मैं डालूँगी यहाँ पे शिमला मिर्च, गाजर, साथ साथ ये स्प्रिंग अनियन का थोड़ा सा वाइट पार्ट रह गया था डालने से, तो वो उसमें मिक्स आ, उसको भी वेस्ट नहीं करेंगे, डाल देंगे वरना स्टार्ट में डालते हैं। अच्छा, कैरेट मैंने डाली है, और फिर हम डालेंगे कैबेज, टोमेटो वो सबसे एंड में डालेंगे क्योंकि वो सबसे जल्दी सॉफ्टन होते हैं, तो यहाँ पर हमने डाल दिए हैं। अच्छा, इसको हमने मिक्स करना है, ये वो डिश है जो बच्चे बड़े सब बहुत शौक से खाते हैं। हाँ, शौक से खाते हैं। और ये थोड़ी देर में अभी आपको इतना नज़र आ रहा है, ये सब सॉफ्टन हो जाएंगी और ये जगह अपनी आराम से जो है वो छोड़ देंगे कि हम स्पेगेटी इसके अंदर आराम से शामिल कर लें। आपका मौसम भी चेंज हो रहा है तो ये सारी चीज़ें और फ्रेश मिलना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल। अच्छा, साथ साथ जो है वो मैंने इसमें चिकन पाउडर है मेरे पास, तो तकरीबन 1 टेबल स्पून मैं इसमें चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ, और चिकन पाउडर ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे टोमेटोज़ को,
देखें ये सॉफ्ट होनी शुरू हो गई है। अगर हम टमाटर इसमें साथ डाल देते तो वो पहले से ही बिल्कुल सॉफ्टन हो जाता। बहुत ज़्यादा ओवर फ्राई नहीं करते ना वेजिटेबल्स को, ना जो है वो कवर तो आपने बिल्कुल नहीं करना इसको, इसका क्रंच ख़त्म हो जाता है और पानी छोड़ देता है वो बिल्कुल। समटाइम ये होता है ना कि कवर हाँ। करना है, कवर नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना कवर। साथ साथ ये सारे कलर जिसके अंदर दुनिया के खूबसूरत बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और आप लोग सब देख पा रहे हैं, मैं तो उसको जो है ना स्मेल कर रही हूँ। हाँ बहुत ज़बरदस्त अरोमा उठ रहा है, वो जो एक चाइनीज का एक्चुअल अरोमा होता है ना, वो जो आपने ऑर्गेनो भी डाला है जो भी यूजुअली सब लोग मिक्स कर देते हैं जी, तो उससे भी एक उसका जो अरोमा आ रहा है वो बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। अच्छा ऑरेगानो मैंने थोड़ा सा बचाया है, जब हम स्पेगेटी शामिल करेंगे तो ऊपर से भी हम ऑरेगानो उसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छा यहाँ मेरे पास कॉर्नफ्लोर है, ये टिप है, आपने नहीं फ्लेम को लो करना है, कॉर्नफ्लोर लेना है। कॉर्नफ्लोर में हम यहाँ पर थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे और ये मैंने वाटर ऐड किया है, इसको आप मिक्स कर लें इसके अंदर। और यहाँ पर इस स्टेज पे आप कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। और इसकी क्या इस कॉर्नफ्लोर ऐड करने का क्या रीज़न है, इसके अंदर एक जो है वो फ्लेवर सा थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो इंक्लूड हो जाएगा। ज़बरदस्त। और ये हमें बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं लगेंगे, कि सब्जियाँ अलग अलग सी नहीं लगेंगी, ये वेजीज वेजिटेबल्स और जो है वो स्पेगेटी के साथ मिक्स हो जाएगी। कम्बाइन जी लिए उसकी अच्छी बात ये है कि इसके कलर्स और खिल गए इसके ख़राब नहीं हुआ, ये हाँ। देखें बिल्कुल इसके कलर, और देखें चिकन भी हमारी जो है ना वो ड्राई नहीं हुई है, ये देखें और जूसी जूसी सी है। अगर हम इसको टेंडर करने का सोचेंगे जो हाँ। पाकिस्तानी स्टाइल में हम लोग टेंडर करते हैं, वरना वो टेंडर नहीं होता, वो ओवर कुक्ड होता है हाँ। उसकी गजाइत ख़त्म हो जाती है। ये कॉर्नफ्लोर वाली जो है ना ये मेरे लिए एक नई चीज़ है जी, ये चीज़ जो है वो अच्छा, जब हमने ये सीखा ना हम, मैं भी जब बनाती थी तो कॉर्नफ्लोर नहीं डालती थी हाँ, बिल्कुल। और फिर जब हमने ये वाली बनाई तो फिर वाकई हमने डिफरेंस महसूस करा कि वो जो अलग अलग से वेजिटेबल्स आ रही है वो नहीं आ रही है हाँ। इसके अंदर एक अरोमा की तरह जो है ना वो मिक्स होकर आता है, तो बहुत कलर्स एकदम से इसके उड़ गए, फाइन हो गए। अच्छा ये जो स्पेगेटी है मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर शामिल कर रही हूँ, ठीक है मैं पकड़ लेती हूँ, आप डाल लो। थैंक यू, मैंने पकड़ा हुआ। ये देखें ये अलग अलग करके जबरदस्त अपनी टोंग से ही आप, डाल। थैंक यू। अच्छा जी यहाँ पर हमने इसको डाल दिया है और अब हम करेंगे इसको मिक्स, और हम ले लेंगे स्पून जिससे हम मिक्स करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है ये वाला स्पून, ले लेती हूँ मैं इसे तो, और ये हम मिक्स कर रहे हैं। अच्छा अब मैंने क्या आप रखा था यहाँ पर, मैंने आपको बताया था सेसमी ऑयल इसके अंदर शामिल होगा। जब आप स्पेगेटी मिक्स कर रहे होंगे तो उस स्टेज पे आप सेसमी ऑयल यहाँ पर ऐड करेंगे, इस वजह से हमने लिया था ऑयल थोड़ा सा कम। सेसमी ऑयल यहाँ पर मैंने शामिल किया है और ऑरेगानो मैंने इसके ऊपर से शामिल करा है ताकि हमारी स्पेगेटी भी अनफ्लेवरफुल ना रहे, और मैंने ये ब्लैक पेपर पाउडर बचाया था तकरीबन 1/4 टीस्पून, ये भी मैंने इसमें मज़ीद ऐड किया है। सारी चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड कर दी हैं और हम जो है अब इसके अंदर ऐड करेंगे ये सेसमी सीड्स, और सेसमी सीड्स मैं थोड़े से डालूंगी और थोड़े से मैं टॉप गार्निशिंग में यूज़ करूँगी, और अब हम करेंगे इसको हाई फ्लेम पर मिक्सिंग इसकी। ज़बरदस्त। और आपने ये इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है, ताकि बेहतरीन परफेक्ट इसका कलर और रिजल्ट आ जाए। कलर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं जी। अच्छा साथ साथ जो है हमारे प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म होने वाला है, तो आप मैम रूही कोई मैसेज देना चाहेंगी, कोई बात हमारे व्यूअर्स से करना चाहेंगी? तो मैं सिर्फ एक मैसेज दूंगी कि हम सबकी ज़िंदगी में ना एक शख्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसकी वजह से हम कामयाब होते हैं या नाकाम हो जाते हैं। एग्जैक्टली exactly. और आपकी ज़िंदगी में वो शख्स कौन है? हाँ नहीं वो मेरी ज़िंदगी में हो या किसी की भी ज़िंदगी में हो, वो शख्स बेसिकली आप खुद होते हैं। आपको अपना कॉन्फिडेंस जो है ना वो बहुत मैटर करता है। अगर मुझे इस आंसर की उम्मीद नहीं थी नहीं ये फैक्ट है,
ये फैक्ट है, लोग कहते हैं कि जी मेरी, मैं जो है वो अपने चचा की वजह से, अपने मामों की वजह से, अपने कज़न की वजह से, माँ बाप की वजह से, नो डाउट सबका किरदार बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन वो जो एक शख्स है वो आप खुद हैं। अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आपको जीत लेनी है। तो मौके खुद मिल जाते हैं, तो अपने ऊपर भरोसा कीजिए, अपनी बात सुनिए, अपने आप को मी टाइम दीजिए और खुश रहिए और सक्सेसफुल रहिए। ज़बरदस्त। अच्छा, इसके साथ ही जो है हम यहाँ से अपनी उठा रहे हैं और हम करेंगे अपनी इसको डिश आउट। सारी मैं क्लीन कर रही हूँ चीज़ें, आपकी इसकी मिक्सिंग मैं कर देती हूँ। ठीक है जी, आज मैम रूही के भी इसमें हाथ लग गए हैं। वो फूड का जो है ना, वो बनाने का शौक वैसे ही है और बहुत ज़बरदस्त। वाकई आपने जो कॉर्नफ्लोर डाला है ना उससे, ये देखे ना, मिक्सिंग की। वाह। अच्छा, थोड़े से हम स्प्रिंग अनियन का ग्रीन पार्ट भी इसके अंदर ऐड करेंगे, तो मैं जल्दी जल्दी से इसमें ये काट के बहुत अच्छा लगा है इसको भी शामिल कर देते हैं। अब देखें मज़ीद इसके अंदर कलर्स ऐड हो गए। चलें, साथ साथ प्रोग्राम का टाइम भी हो गया है ख़त्म, बस इसको हम डिश आउट करते हैं। निकालें जी। और बहुत ही ज़बरदस्त सी यहाँ पर खुशबू आ रही है। और ये सेसमी सीड है, मैं इसके टॉप पे ये डाल रही हूँ। और ये ग्रीन वाला पार्ट जो है, हम थोड़ा सा इसको इस तरह से यहाँ रख देंगे। रेस्टोरेंट लुक तैयार। और थोड़े से ग्रीन जो है हम इसके अंदर और मज़ीद ऐड कर देंगे। आई लव दैट अ ग्रीन कलर। और साथ साथ हमारी आज की डिश हो गई है कम्प्लीट। इसके साथ ही मुझे और रूही को और वीनस HGTV की टीम को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह हम कल मिलेंगे एक नए दिन और एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।